तो आज की हमारी इस क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे टैबलू, और टैबलू में हमने लास्ट क्लासेस में कुछ क्लासेस में सीखा कि हाउ कैन कनेक्ट द डेटा, कि हम किसी भी अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज से डेटा लेके कैसे आएंगे। आपने ये चीज को जाना। फिर डेटा आ जाता था, किस तरीके से हम उसके ऊपर विजुलाइजेशन टूल्स बनाएंगे और उस अपने रिपोर्ट्स वगैरह को जनरेट करेंगे, ठीक है सर। और उस हाँ रिपोर्ट से, जैसे डिफरेंट डिफरेंट हमने जो सीट्स पे रिपोर्ट बनाया, उस रिपोर्ट को हम कैसे डैशबोर्ड में इस्तेमाल करेंगे, राइट सर। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है, जब आप डेटा को लेते हैं तो छोटी सी प्रॉब्लम क्या होती है, डेटा की कैलकुलेशन। तो हम आप अगली कुछ क्लासेस में सीखेंगे कि हाउ कैन कैलकुलेट द डेटा, कि डेटा को कैसे कैलकुलेट करेंगे डेटा शीट के अंदर। अब जैसे मान लीजिए कि मैं एक रिपोर्ट यहां बना रहा हूं, मैंने एक डेटा ऐड कर रखा है सिंपल सा, और मैं यहां पे एक रिपोर्ट बना रहा हूं, और उस रिपोर्ट में मैंने क्या किया, मान लीजिए कि मैंने, मुझे यहां डेट है, हमने डेट को रखा यहां पे रो में, और हमने यहां पे टोटल यहां पे, तो डेट में आप देख रहे हैं 2019 आ गया, राइट। और ये डेटा में हम कन्वर्ट कर देते हैं, हमने यहाँ पर डेट लिया और हमने कंट्रोल के साथ अपनी क्वांटिटी को सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे कई सारे टूल्स जो है आप देख रहे हैं, यहाँ पे आगे विजुलाइजेशन से एक्टिव हो गया, हाँ ये छुपा हुआ था, हमने यहाँ पे डेट डाल दिया, तो डेटा डेट वाइज आ गया, ईयर वाइज आ गया। अब यहाँ पे प्लस करेंगे तो क्वार्टर आएगा, फिर प्लस करेंगे तो मंथ आएगा, ठीक है। मुझे इसमें से ईयर नहीं चाहिए तो ईयर हटा दूंगा, मुझे क्वार्टर नहीं चाहिए तो क्वार्टर हटा दूंगा, तो ये हमारा मंथ वाइज सेल्स आ गया, जिसको हम अपने इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और मैंने इसको स्वैप कर दिया, तो आप देखिए मंथली रिपोर्ट्स हमारे सामने इस तरह से आ गया। तो प्रॉब्लम है कि जब हम डेट को पिक कर रहे हैं तो हमें दिक्कत हो रही है ना, तो हम चाहते हैं कि डेट हमारा डेटा में ही डेट हो जाए। अब प्रॉब्लम ये आती है कि डेटा में डेट कैसे होगा, क्योंकि हमारा जो ओरिजिनल डेटा, जैसे मैंने बताया था आपको लास्ट टाइम में, कि ये प्रीव्यू है, डेटा नहीं है, ये क्या है, प्रीव्यू है। डेटा के अंदर कैसे कैलकुलेशन करेंगे, तो हमारा ओरिजिनल डेटा इससे इफेक्ट नहीं होगा। तो हमने यहां पे एक क्रिएट कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक किया, और मैंने यहाँ पे मंथ का फॉर्मा लगाया, मंथ का, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, फॉर्मा लगाया, और इसमें हमने मंथ और इसमें हमने दे दिया डेट। अब डेट पे देखिए, जिसमें एफ लगा है वो क्या है, फंक्शन है, और जिस डेट टेबल के फॉर्मेट में है, वो ओरिजिनल डेटा और यहाँ देखिएगा यहाँ पे द कैलकुलेशन वैलिड लिखा होना चाहिए, और इक्वल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है, इक्वल लगाते हैं तो यहाँ पे कैलकुलेशन कंटेंस एरर करके आएगा, इक्वल यहाँ एक्सेल की तरह नहीं लगता है। अप्लाई कीजिए एंड ओके कीजिए, इसके बगल में आप देख रहे हैं मंथ, बट मुझे मंथ नहीं चाहिए तो मंथ में जैन फैब चाहिए थे तो नंबर आ गया, क्या सर। यहाँ एडिट में मैं इसको दे देता हूं नेम, मंथ फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला था इसमें,
पब्लिक वर्जन है, इस कारण से हट गया क्या? तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, आप मेक डेट टाइम, मेक टाइम मीडियन मीन मंथ नहीं है, चलिए फिलहाल नंबर से काम चलाते हैं। मंथ का होता है इसमें, मंथ से आता है यहाँ पे, मंथ नेम करके होता है इसमें, पता नहीं क्यों इसमें नहीं दिखा रहा है, बट मंथ नेम करके फॉर्मूला हमारा होता है। मैं कल जो है इसको खोलूंगा इसमें, तो पता चल जाएगा। पब्लिक वर्जन पे नहीं रहूंगा, पब्लिक में लगा नहीं है। तो यहाँ से अब मैं यहाँ पे कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे नंबर्स हो गए। उसी तरह से और भी बहुत सारे कैलकुलेशंस है, वो कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं इस पे डेटा पे, और फिर उसके बिहाफ से आप जो है अपने डेटा को, इसे मंथ लिख गया तो मंथ को रो में रखा हमने, और हमने टोटल को रख दिया कॉलम में। अब यहां पे सम ऑफ मंथ आ गया, ठीक है सर? हाँ क्यों? क्योंकि मंथ जो नंबर था, इस कारण से वो चला गया यहां पे, समझे? मंथ जो है नंबर था, इस कारण से चला गया इसमें। तो इसको डेट में होना चाहिए था ना, तो इसके साथ हम कोई टेक्स्ट लगा देते हैं। आपको फॉर्मूला और बाकी चीजों में कंफ्यूजन होती है, तो टैबलू की ओरिजिनल साइट है, उस पे देख सकते हैं आप। टैबलू फंक्शन लिस्ट, ये रहा, ये अल्फाबेटिक है, कैटेगरी है, उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा। और आगे की क्लासेस में आपको ये सारे फॉर्मूला हम करवाने वाले हैं, जैसे एक्सेल में फॉर्मूला कराया था, उसी तरह से ये सारे फॉर्मूला हम कराने वाले हैं। जैसे हम डेट फंक्शन पे आते हैं, तो ये हमारे डेट के सारे फंक्शंस हैं जो कि हम लगाते हैं। डेट है, डेटा इफ है, डेट नेम है, ओके। यहां मंथ नेम नहीं था, डेट नेम था, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज, डेट नेम। हाँ डेट नेम था, डेट नेम लगा देते हैं। एक्सेल और इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन आती है ना, एक्सेल अब पिछले हम लोग मैनुअली हम एक्सेल हाँ करते हैं, अब इसमें आता है डेट, तो डेट पार्ट क्या चाहिए? तो मुझे चाहिए मंथ, और डेट कौन सा है? तो हमने बोला ये हमारा डेट है, डेट में फंक्शन को नहीं सही किया, बड़ी ब्रैकेट में आ गया। अब यहाँ पे कंटेंस एरर दिख रहा है, देखिए कोई फॉर्मूले में आपका जो ये इन्वर्टेड कॉमा में देना होता है, किसी में आपको देना होता है सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल कोटेशन में ही है। नहीं ये बेसिकली इसमें है, ये केस सेंसिटिव होता है, एम छोटा होना चाहिए। ये पिछली बार प्रॉब्लम हुई थी मेरे साथ, मैं भूल जाता हूँ बार, केस सेंसिटिव है, ठीक है, मंथ आ गया। अब मैं रिपोर्ट में जाऊंगा, और ये सम का डेट हो गया ना, हाँ यहाँ से मैं मंथ को रखूंगा कॉलम में, और हमारे सामने डेटा आ जाएगा। ओके हाँ आ गया? तो इसी तरह से हम कैलकुलेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो
तो इसमें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी होते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा टैक्स है, ये हमारा ग्रांड टोटल है, बट इसमें क्या है कि इसमें 10% एक और चाहिए टोटल, जैसे टोटल हुआ तो हम चाहते हैं प्रॉफिट निकालना, तो कंपनी कहती है कि मैं जो भी माल बेचता हूँ उसमें मेरा 30% हमारा खर्च होता है, 70% प्रॉफिट होता है, तो मैं आज इसकी 30% को लेस करना चाहता हूँ। तो क्रिएटिव फील्ड में यहाँ पे मैं देता हूँ प्रॉफिट और यहाँ देता हूँ जी टोटल, को सिलेक्ट कर लिया मल्टीप्लाई बाई 30%। तो यहाँ पे क्यों 30% आपने लिख दिया तो ये एरर देगा, क्योंकि परसेंट के सिंबल को रीड नहीं करता है, तो 0.30 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और मैंने बोला था कि इक्वल नहीं लगेगा इस पे, लेट आ गया, 30% लिखेंगे तो आपका अनवैलिड दिखेगा, ठीक है, क्योंकि ये परसेंटेज को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, तो इसको इतना पड़ेगा खाए तो ब्रैकेट में डिवाइड बाई 100 कर दीजिए या फिर पॉइंट्स में ही लिखिए, आपका यहाँ पे आएगा 30% निकल के आया प्रॉफिट, लेकिन मुझे इसका माइनस भी करना है तो यहाँ पे जी टोटल। लेकिन ध्यान रखिएगा हम बोर्ड मास मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। अब मेरे पास एक प्रॉफिट आया, अब आपने इसमें देखोगे आपको जो प्रॉफिट के अकॉर्डिंग लगाना है, मैं क्वांटिटी हटा देता हूँ, मुझे लगाना है प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, मैं प्रॉफिट का लगाया, मैं प्रॉफिट का सम आ गया, मुझे सम हर महीने की सम आई, मुझे एवरेज निकालना है हर महीने की प्रॉफिट कितना है, तो इसी के ऊपर क्लिक करूंगा और यहां पे मेजर सम, सम की जगह पे मैं यहां पे एवरेज दे दूंगा, तो अब जो है एवरेज क्वांटिटी का एवरेज दिख रहा है, सॉरी प्रॉफिट का एवरेज दिख रहा है यहां पे है, ये क्वांटिटी मैं यहां से हटा देता हूं, ये ऐसे लगा है, और यहां पे हम प्रॉफिट का एवरेज दे देते हैं। इसमें मैं मंथ को उठा के कलर में रख देता हूं, तो ये कलर हो गया आपको, ठीक है। ओके, जो जो कलर करना है तो वो यहाँ पे लेफ्ट लेफ्ट हैंड साइड पे रखना होता हाँ नहीं, ये अलग चीज हो गई, बिजली के हर नाम का ये अलग अलग कलर दे दिया, हाँ। हर मंथ का नाम का, अगर मैं इसको इस क्लिक करूं तो आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसमें क्या है कि नहीं रिपीटेड है, अगर एक बार रिपीटेड नहीं होता, वन टाइम होता तो आप इसको देख सकते थे, अब मैं नेम को उठाता हूँ, नेम हट गया से ना, नेम को उठाता हूँ और कलर में दे देता हूँ, या मैं कलर में ना रख के मैं साइज में देता हूँ, तो नेम के अकॉर्डिंग जितना नेम बड़ा है उसके साथ साइज आ गया, उस साइज को मैं बढ़ा देता हूँ ये बढ़ भी जाएगा, लेकिन इसका यूज अलग चार्ट पे अलग अलग होता है, तो आगे इसको मैं आगे बताऊंगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़े। हाँ समझ में आ गया, हाँ सर, रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है सबसे पहले इसकी ये करें, क्या बोलते हैं, इसकी प्रैक्टिस करें मैथमेटिकल कैलकुलेशन के साथ, हाँ सर, फिर कल से जो है 3-4 क्लासेस हमारी चलेगी, जिसमें वन बाय वन सारे चीज को देखेंगे, हाँ ठीक है। हाँ